अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। College days when I was attending Vishnu Satsang, when I was thinking to attend Satsang in USA, since I never thought like this will be a truth, but when with Mother's blessing, today I am here and it's an immense pleasure to be in front of you. Since I have heard that Sadhguru, not only you fulfill your wishes, but also fulfill your dreams. In my case, Sadhguru just not only fulfilled my wishes, dreams, but he has blessed me with that, which I have never thought in my dreams as well. Since, while coming to the satsang, Mahatmaji told that today's topic is selfless love. Since every thought came in mind is like selfless, I have to remove self from love. I have to take away myself from the love, and whatever remains there is only love. Satsangaji, selfless prem satsangaji, is what prem ke baare mein jo baat hoti hai. So immediate thought ये मन में आता है कि मैं और सत्संग जी एक्सपेक्टेशंस. एक बार बाबा जी ने कहा था कि एवरीबॉडी सेज आई वांट पीस, इफ आई रिमूव आई एंड इफ आई रिमूव वांट, व्हाटएवर रिमेंस देयर इज ओनली पीस. सत्संग जी, अगर प्यार में भी मैं अपने आप को हटा देता हूं और मैं अपेक्षाओं को भी हटा देता हूं, तो जो बचेगा सत्संग जी, वो सेल्फलेस लव ही सत्संग जी बचेगा. सत्संग जी, कहा जाता है कि एक्सपेक्टेशन इज रूट ऑफ ऑल सॉरोज. कि जीवन में जो भी कोई दुख है उसका कारण सत्संग जी केवल एक्सपेक्टेशंस है. ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सत्संग जी जहां भी जॉब करते हैं, एक टर्म सत्संग जी डिस्कस होती है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. किसी भी रिसोर्स के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसका रिटर्न कितने मिलते हैं. एंड व्हेन दोज रिटर्न्स आर नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशंस, अप टू द मार्क, तो कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं. मगर सत्संग जी भक्ति में, जीवन में सत्संग जी और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जब भी सत्संग जी हम वहां पर डालते हैं, तो सत्संग जी केवल दुख ही दुख सत्संग जी आ जाता है. इसलिए कहा जाता है कि बेघर से जिनान की उल्फत है वो नमाज की कीमत नहीं मांगते. केवल सत्संग जी एक प्यार, जो सत्संग जी निस्वार्थ हो, जो सत्संग जी एक भौरा और सत्संग जी खून में होता है, भौरा अपने आप को मिटा देता है, जो सत्संग जी पतंग और जोत में होता है, वो सत्संग जी उसकी ओर चला जाता है, अपने आप को मिटा देता है. इसलिए कहा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मरदवा चाहे, दाना खाक में मिलकर गले गुजार हो जाए. तो सत्संग जी जीवन में सुख अगर पाना है, तो सत्संग जी ये जो एक्सपेक्टेशंस है, एक्सपेक्टेशन रहित जो प्यार है, वो सत्संग जी हम करना सीखे. और सत्संग जी जब से दास आपके चरणों में कैलिफोर्निया में आए हैं, एक एक करके महात्मा सत्संग जी दास पहचान हो रही है. और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हर एक महात्मा वो सेल्फलेस लव की मिसाल है. इतना सत्संग जी प्यार दे रहे, ना कोई पहचान है, ना कोई सत्संग जी कभी मुलाकात हुई थी, बट केवल और केवल सत्संग जी प्यार ही प्यार मिल रहा है. सत्संग जी पहले लगा कि शायद ये महात्मा ऐसे होंगे, कुछ और महात्मा मिलते गए. जैसे जैसे महात्मा मिलते गए, हर एक महापुरुष ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया. सत्संग जी माता जी के चरणों में सत्संग जी तहे दिल से शुक्रिया सत्संग जी व्यक्त करता हूँ कि माता जी, जस्ट बिकॉज ऑफ यू ओनली आई एम गेटिंग दिस लव. वरना सत्संग जी अपने भी सत्संग जी दुनिया में अपने नहीं होते हैं, बस केवल संत महात्मा होते हैं जो अपना लेते हैं. सेंस अगेन, आई डोंट हैव वर्ड टू एक्सप्रेस माय थैंक्स
बट आप सभी संत महात्मा दयालु हैं, आशा है कि आपके चरणों में दास की अंतिम सांसों तक लिप जाए, सेवा सत्संग सिमरन हमेशा मिलता रहे। सेवित लाभ।